क्या तुमने कभी स्ले पॉइंट का बिहाइंड द सीन्स देखा है? मैं आज दिखा रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स, ज्यादा ही क्लोज अप बिहाइंड द सीन्स। अंधेरा अंधेरा उनका शादी हो रहा है। हाय 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 हाय, दो शादी एक जगह पे, दो शादी कैमरा भी शादी कर रहे हैं। दूर लेके जा सारे, शादी के दिन नहीं, ये सब शादी के दिन नहीं करना होता है। कैमरा को दूर ले जा तेरे अश्लील कैमरा। What's up guys? Good afternoon from पुष्कर। आज शादी का पहला दिन है, तो कल रात को निकला था कुछ 12 एक या 2 बजे निकला शायद से रात को, और पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद आज सुबह आके हम लोग पुष्कर पहुंचे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी अपन लोग निकलने वाले आज के पहले इवेंट के लिए, जो की है मेहंदी। और मुझे पता नहीं, मैं मेहंदी तो लगाने नहीं वाला हूँ, और मुझे ऑनेस्टली पता नहीं मेहंदी में होता क्या है। और मैंने मेरे लाइफ में कभी ऐसा इतना शादी नहीं देखा है, मतलब मैंने बहुत कम शादी लाइफ में अटेंड किया है। और पकड़ लो एक शादी जो मैं इज्जत से सही से मजे से अटेंड कर रहा हूँ, वो लिटरली इतनी बड़ी शादी, इतनी बड़ी शादी है कि मतलब दिमाग घूम गया। क्या शादी है ये, क्या हो रहा है ये। तो जल्दी जल्दी अभी निकलते, ज्यादा लेट नहीं होते, और चल के देखते मेहंदी में क्या करना है, क्या करते, क्या होता क्या मेहंदी, पता नहीं मुझे। चल के देखते मेहंदी में होता क्या। सौरव, हर सौरव तू नहीं होता है, ठीक है? कहीं सौरव सुना कि नहीं भाई, अपना नाम सोच लिया। सॉरी, इट्स ओके। सौरव क्या खा रहा है? चावल। अरे वेरी गुड, बेस्ट आंसर। वेलकम बैक टू ऑकवर्ड व्लॉग्स गाइस। हमेशा ऐसे करता हूं, मैं सौरव जोशी को बहुत ऑकवर्ड करूंगा हर बार। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर तू क्या कर रहा है? चोरी नहीं करते भाई, ये क्या तरीका है? दोनों एक ही प्लेट ले लेते भाई। मेरा कभी मान लो, मैं शादी करके आऊंगा। नो आइडिया क्या चल रहा है गाइस इन लोग का। मैं खाना लेने आ रहा हूँ, मेरे को भूख लगा। चलो रे गाइस, क्या तुमको पता है ये शादी में पायल जोन भी आई है? आई है वो तो पता ही है। पता है फ्लिट तो मिला पायल जोन से, कैमरे के पीछे वही तो है। हाँ मतलब यस, मैं ही पायल जोन हूँ। रोनी मैं भी ऐसे करेंगे गाइस। ये वीडियो पायल जोन के चैनल पे देखने को मिलेगी आपको। ऐसे करते हैं ना। अरे ये हाँ तो भाई, बहुत एविड फैन है ये भाई, फैन बॉय है भाई, पायल जोन फैन बॉय है ये तो। बोर्ड लेके आता हूँ पीछे, बोर्ड लगवा देते, तो कुछ लिख देना। पर गाइस यार अच्छा लग रहा है देख के कि मैं कंटेंट मेहनत से बना रहा हूँ, वो कंटेंट पायल जोन के चैनल पर भी जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। डू सब्सक्राइब टू सौरव जी व्लॉग्स। ये बेशरम हम चारों के पीछे प्रमोशन करना चिल्ला चिल्ला के। पूरे यूट्यूब से इतना भाव नहीं मिला जितना रोनी भाई के व्लॉग में मिल गया। दाने खा रहा हूं। अरे क्या खा रहा है? दाने, साबू दाने। खा लो वो देखो चला गया, खाना दिखाने चला गया वहाँ पे। वो फूड ब्लॉगर किसने बुलाया? ये सौरव मेरे को व्लॉगिंग करना सिखा ना। सीखना नहीं है मेरे को, व्लॉगिंग करना नहीं आता है। मैं बता, मैं देख उसको देखो, देख कितना देख अच्छा खाना पीना दिखा रहा है। अभी हम खा रहे, अभी हम हग रहे, सब दिखाता है। और मैं हूँ ऐसे यार, ये है सौरव, ये है फ्लीट। और हम कुछ भाई हग रहे हैं तो नहीं दिखाता हूँ ना मैं, कम से कम दिखा देना अगली बार। पोटी करने जा रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो शाम को तुम लोग, सब लोग क्या, सब लोग डांस कर रहे हो? मैं सुना है सब फ्लीट डांस कर रहा है, सौरव डांस कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या डांस चल रहा है, कौन से गाने पे नाच रहा है? हाँ हाँ क्या हो गया? रोनी भाई यहीं पे हो जाए, रोनी भाई हल्का सा 1 2 3 गो शाबाश। मुझे सुना नहीं आता। अरे यार वो तो सबका ही रीजन होता है भाई, तू कर लेगा तेरे को आते थे। सौरव तो नाच लेगा। सौरव फुल कॉन्फिडेंस, सौरव नाच लेगा। मुझे एक बार डर इसका लग रहा है। मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, आप कह रहे हो। नाच के दिखा, आर यू श्योर? देखा नाच के। अरे भाई नहीं, आगे दिखाऊंगा ना फिर यार, वो मेन डांस में दिखाऊंगा ना भाई। यार ये यहाँ स्ट्रक्चर दिखाएंगे यार, बहुत लोग बैठे हैं। क्या बोलते हैं वो नारुतो, क्या बोलते उसको? जुत्सु। भाई जुत्सु नहीं करना था भाई, जुत्सु कुंग-फू। वो देखो ये अलग दुनिया, ये कुंग-फू पहुंच गया। जुत्सु को कुंग-फू बना दिया इसने तो। तो गाइस अभी हम लोग घर वापस आ चुके शादी से, और मैं अभी वैलोरेंट खेल रहा था, और वैलोरेंट खेलते खेलते ये नुकड़ा गोटिया मेरे पास आके मुझे बोलता है कि इसको शादी में एक सुंदर सी लड़की दिखी थी। अभी बोल रहा है खत्म हो गया शादी पर। अगर गोटिया के पास हैपन होता ना तो ये पूरी बातें अलग होती। मिलिए हैपन से। हैपन एक रियल लाइफ बेस्ड डेटिंग ऐप है जो आपको दिखाएगा कन्या और पुरुषों की प्रोफाइल्स आपके स्वाद अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं है ऐसा। और ये ऐप आपको ऐसे लोग दिखाएगा जिनके साथ आपने पाथ्स क्रॉस किया हो। और अगर आपको इन कन्या और पुरुषों की तस्वीर और बायो पढ़ के दिल में दर्द डिस्को हो जाए तो आप उनको लाइक कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, बात को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर दर्द डिस्को नहीं हुआ और किसी ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया तो तुम उसको ब्लॉक और रिपोर्ट भी कर सकते हो। हैपन आपको देता है एक सेफ एनवायरनमेंट फॉर डेटिंग जहां पे आप बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हो,
जिनसे शायद आप कभी नहीं मिलते, और किसे पता शायद आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए या एक बहुत अच्छा फ्रेंड फॉर लाइफ। तो बस वेट किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से लिंक पे जाओ, डाउनलोड करो हैपन ऐप और शुरुआत करो अपनी प्रेम कथा का। गोट्या की तरह नुबड़ा मत बनना जो 2 हफ्ते बाद इसको याद आ रहा है। अबे एक इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल गया, गोट्या हैपन ऐप कंप्लीटली फ्री है। वो देखो बेशरम डाउनलोड करने बैठ गया फुकट का सुनते ही। छोड़ो यार उसको डाउनलोड करने दो, तुम लोग जाके व्लॉग कंटिन्यू करो। चलो यार फाइनली खा पी लिया हम लोगों ने, चलते हैं। सोपी क्या? सो के आराम से पानी जल सूप पी के। हाँ क्या पी रहे हैं? अरे हम पानी पी रहे हैं यार। क्या पी रहे हैं? पानी जल H2O लग तो रहा है, H2O में कुछ मिला के पी रहा आप लग रहा मेरे को H2O। देखो हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला के पी जाते हैं। ये बहुत घुमाई हुई बात कर रहे हैं। देखो गाइस हम क्या करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या मिला रहे वो नहीं बता रहे। सुनो हम थोड़ी सी हाइड्रोजन लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं और पी जाते हैं। ये मिला ये पीएंगे, ठीक है गाइस? मैं बता रहा हूँ, मैं सुनो वो अच्छा मैं सीख रहा हूँ आपसे की 10 मिनट का ब्लॉग कैसे बताते हैं। प्रैक्टिस करो जाके डांचो बिचो, शाम को हम आगे तुम्हारा डांस को रेटिंग करेंगे, ठीक है? मैं जज हूँ, मैं डांस रेटिंग करने आऊंगा। कितने भाई ले लोगे भाई? नहीं हम रेटिंग करेंगे, डांस इंडिया डांस चलाएंगे हम आज। ये लिटरली मेरा पहला डेस्टिनेशन वेडिंग है जो मैं देख रहा हूँ भाई। अगले 3 दिन यहाँ पे ना खतरनाक होने वाला है, लिटरली मजा आने वाला। अभी तक हमने जो एक चीज देखा है, एक सेरेमनी देखा है, वही मस्त है। अभी टाइम हो रहा है 4:30, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके गाइस तो अभी हम लोग शाम को एक पार्टी में जा रहे हैं, जो पार्टी यहाँ पर हो रहा है और ये पूरा डेजर्ट एरिया है, देख रहे हो पूरा डेजर्ट है यहाँ पर। तुमको एक कार्ड दिख रहा जाता हुआ कैमल, हम लोग भी उसी में जाने वाले। भाई ये ऊंट का नाम क्या है? हाँ गणेश। ओके ये बहुत ज्यादा हिलता है। आपका नाम क्या है? दुर्गेश। अरे मेरा भी एक दोस्त है दुर्गेश नाम का। गाइस मैं राजस्थान लाइफ में आया था 2004 में, तब मैं बहुत छोटा था और अब मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। और भाई ये रेत लिटरली बहुत ठंडी है, ऐसा लग रहा है बर्फीली रेत है। जितने बार भी गाइस मैं आता हूँ मेरे को लगता है मैं सबसे लेट आ रहा हूँ, और टर्न्स आउट मैं सबसे जल्दी आता हूँ। इस बार तो मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा लेट आया पर फिर भी सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ। तो हम लोग फाइनली अपने रूम में आ गए और अभी तुम लोगों को ना मैं रूम दिखाता हूँ। अपना जो रूम है ना, ये रूम मतलब अलग ही दुनिया का रूम है। मतलब ये क्या रूम है ये? और सबसे पहली बात यहाँ पे ये कौन लगा के रखा है इधर? टीवी बंद कैसे होता है? मेरे को टी शर्ट नहीं खरीदने का इधर आके, टीवी बंद कैसे होता है? अरे टीवी का बटन किधर है? अरे नहीं जाना है जिम, ऑफिस, कॉलेज, कब नहीं जाना है मेरे को? पहली बात तो मैं अच्छा भाई बटन इधर है अंदर, रूम के अंदर घुसते ही पहले टेली शॉपिंग चालू हो गया, ये खरीदो वो नहीं खरीदता मेरे को। और गाइस तुम लोगों को जल्दी से अपन ना रूम दिखा देते हैं। ये रूम एक्चुअली बहुत ही चुम्मेश्वरी प्यारा सा रूम है। ऑलराइट गाइस तो ये रहा अपना रूम, इतना प्यारा सा रूम में एक बिस्तर है, बिस्तर के आगे तंगड़ी रखने का जगह है। एक्चुअली ये मेरे बहुत काम आता है क्योंकि मेरा ना मैं बहुत लंबा है, मैं बहुत ज्यादा ऐसा एकदम वो तुमने देखा था वो हेरा फेरी बंदा ऐसा दीवार के ऊपर ऐसा है मैं, तो मेरा मुंडी उधर से ना तंगड़ी ऐसा लटकता है बाहर, तो ये काम में आता है। यहाँ पर एक टीवी है जिसपे अपन लोग टेली शॉपिंग देख सकता है। और वो एक सेकेंड यहाँ पे ना आई थिंक बाहर जाके बैठने का जगह भी है। तो मैं एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर में हूँ तो मेरे पास बालकनी नहीं है, ऊपर वाले पास बालकनी है, अपने पास बालकनी नहीं है। पर गाइस हमारे पास एक ऐसा चीज है जो मेरे को लग रहा है कि ऊपर वाले के पास नहीं है, उसको देखने के लिए अपने को पहले यहाँ जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर अंदर आएंगे, यह है हमारा प्यारा सा हग्नालय। यहाँ पे हम खाने के बाद खाने को अलविदा कहेंगे। और यहाँ पर बेसिन है, यहाँ पे हाथ पैर सिर्फ हाथ धोना है, पैर नहीं धोना है, सिर्फ हाथ धोना है। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा आईना दिया हुआ जिसपे अपन अपने आप को देख सकते हैं। व्हाट्सअप कुनिचिवा हाय बाय। और ये देखो ये क्या है, वॉट इज दिस इज द वर्ल्ड। ये छोटा सा स्विमिंग पूल किसने बना दिया मेरे रूम के अंदर? जिधर तक मेरे को पता है ना ये लग रहा है मेरे को जकूजी है। और यहाँ पे क्या करने का, 2 जन के बैठने का जगह है, उधर मस्त मुंडी रख के बैठने का और वहां से पिछवाड़े में ना पानी निकलता है। और यहाँ पे बहुत ठंडी है, मेरे को पता नहीं पिछवाड़े में कैसा पानी निकलेगा। और अगर मेरे को नहाने का है, शावर करने का है, तो मेरे को लगता है उसके लिए जगह नहीं है। ओ ये भाई
ये रहा शावर करने का जगह, इधर खड़े होके नहा सकते भाई, मस्त है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर अच्छा खासा ठंड है, तो यहाँ पर एसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर अच्छा है, तापमान अच्छा है, मेरे को मजा आ रहा है। हम लोग अभी आग जलाने वाले, तो प्रणव का एंट्री होने वाला है और उसके लिए हमें गन से आग निकालना है, और उसके लिए हम चारों को चुना गया एकदम सुवर्ण अवसर, अभ्युदय, साहिल, सौरव जो वो ब्लॉग कर रहा है, और मैं। कैसे होता है ये? ऊपर रखना, ये टिकर दबाना भी मत। अच्छा अभी नहीं दबाना, दबा तो निकलेगा, फटेगा नहीं ना हाथ में? ट्रायल कर ले, छोटी सी ट्रायल, एक हाथ में फटाके दे दिया हमारे पुलिस ने, बहुत मेहनत के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस तैयार करी है, और आज बारी है कि उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय करें। मैं अभी इधर साइमन भी आ गया, अब साइमन ने भी पकड़ लिया और फ्लीट ने भी पकड़ लिया। भाई संभाल के, मेरे को डर लग रहा है, देख मैं ऐसे पकड़ा उल्टा, इसको मैं उल्टा पकड़ा है, नहीं आएगा उधर। भाई नहीं भरोसा है मेरे को। स्वागत कीजिए प्रणव एंड मानसिका, कम ऑन थोड़ी सा। गाइस यहाँ पे फ्रूट रखने का तरीका देखो, ये क्या तरीका है, डंडी पे खजूर लगा दिया है, बहुत सही। और ये डंडी पे क्या लगाया है? अरे तो डंडी को आर पार डाल दिया है इसके, डायरेक्टली डंडी ही आर पार। ये क्या है? ये सरो, ये क्या है? ये पता नहीं मेरे को, पता नहीं, खा के देख। आजा खा ले, खा के बता क्या है। क्या ये? अंगूर। अरे यार मैं बोला कुछ अच्छा होगा, अंगूर के आर पार टूथपिक डाल दिया है, सब डंडी पे लगा दिया, सब डंडी पे, सबको डंडी पे चढ़ा दिया। सौरभ तू भी चढ़ेगा डंडी पे? मैं ड्रैगन फ्रूट खाऊंगा, अच्छा लग रहा है। गाइस देखो लोग ऐसे अच्छे से ना प्लेट में लेते हैं, हम ऐसे लेके जाएंगे। ये ड्रैगन फ्रूट के अंदर ड्रैगन फ्रूट रखा है। हाँ ड्रैगन फ्रूट के अंदर ऐसे उठा लेने का। साहिल तू प्लेट में ले रहा है ऐसे? हाँ गुच्छे में उठा लेने का, प्लेट में बच्चे लेते हैं, हम ऐसे खा रहे हैं। लॉलीपॉप है? हाँ ये ये प्लेट ले आता कदम, ऐसे ऐसे उठाते ऐसे। साहिल छुप छुप के खाना है, ऐसे नहीं लोग जंगली समझेंगे, ऐसे लगातार हम यहीं पे खड़े हो गए, ऐसे थाली की तरह वहीं से उठा उठा के खाए जा रहे हैं। एक और उठा लिया इसने, तो टाइम देखते ही सोरो हम लोग डेकोरेशन कहाँ गए? वो डेकोरेशन दिखा गए हम उसको, डेकोरेशन। अभी आई थिंक अपन जो भी खाए ना सब डेकोरेशन था, नहीं सब नहीं था, सब नहीं था, पक्का ये डेकोरेशन था। अबे वो भी डेकोरेशन है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है चलो, सौरव खा ही रहा तो हम भी खाएंगे साथ देने के लिए, कोई ना कोई तो खाएगा ही उसको, हम खा देंगे। बोले कितने बड़े एप्पल एप्पल रखा है। तो गाइस ये लोग सारे डांस करने वाले आज शादी में, और ये क्या कह रहे, इसको ब्लर करना पड़ेगा, हमें इसको ब्लर करना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम लोग कुछ और गाने पे नाच रहे हो, तू तो एनाकोंडा पे नाच रहा है। नहीं भाई यार ये तो ज्यादा हो गया, ये इसको तो नहीं डांस कर रहा हूँ। हम इसके डांस को लेके बना देंगे एनाकोंडा। मैं नाच रहा हूँ? मैं नहीं नाचेगा, मैं बस नाच देखने आया हूँ। साइमन तो अपना बेस्ट डांसर है, साइमन जो डांस करेगा मजा आ जाएगा। कब से बेचारा नाचने का प्लान कर रहा है पर डांस हो नहीं पा रहा है। सौरव कब से एक शॉल ढूंढ रहा था, उसको शॉल नहीं मिला तो उसने क्या किया, एक सर पे उसने टी शर्ट लगा लिया। बेचारे सौरव फ्लीट और साइमन कब तक दुपट्टा खींचेंगे, लौंडे दुपट्टा खींच ले रहे, महिलाएं डांस नहीं कर पा रहे हैं। इमेजिन स्टेज पे ऐसे बोल रही है, दिख लो क्या चल। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस में गौतमी का ऐसी वॉइस ओवर रहा ना तो और मजा आएगा। अमित जी अरे बिग फैन सर, भाई लाइक कर दो भाई, सर सब्सक्राइब करने बोलो, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, सर सर इधर सर, सर एक फोटो सर, सर एक फोटो सर, सर फोटो सर, सर रेखा इधर सर, सर रेखा को ले आया हूँ, सर भाग गए। आइए गौतमी एंड ग्रुप, ताली हो जाए प्लीज इनके लिए। आज
ए, तेरे को ठंडी लग रही है तो नीचे आ पाई ले जल्दी तू शाहरुख भाई शाहरुख भाई नीचे आओ शाहरुख भाई ओ अरे शाहरुख भाई नीचे आ रहे भाई दरवाजा धक्के मार मार के चेक कर रहा है कोई धक्के मार के खोल ना दे अंदर हाँ भाई नहीं जाएगा अंदर कोई घर के तेरे अभी उधर की फटी पड़ी इधर अभी उधर इतनी ठंड क्यों लग रही तेरे को एक काम कर सुन सुन कसरत कर थोड़ी सी क्या करूँ सुन कसरत हाँ हाँ कुछ कसरत कर ले उसको ठंडी लग रही है थोड़ी कसरत करो हाँ कसरत करो चलो दोनों चलो चलो जैकेट पहना शर्ट के अंदर मैंने थर्मल भी पहना अभी थोड़ा बैठ ले दो मिनट तू आग लेने गया था धुआं लेने गया था धूम्रपान करके आ गया तू आ जाके हाँ गुड मॉर्निंग गाइस हमारे यहाँ पे पुष्कर में थर्ड डे तुम्हें किसने मिला तो ये देखो हमें हमारे होटल रूम के बाहर कौन दिखे अरे हमारी नगरी में तो यार हमसे ना मिले ऐसे कैसे चले जाए हमारे मेहमान है भाई साहब और कोई क्रिएटर आए हमारे शहर के अंदर हमसे मिले बिना चले जाए ऐसा हो सकता है क्या तो हम पहुंच गए रोनी भाई से मिलने के लिए भाई, रोनी भाई से मिलके बहुत भाई अच्छा बहुत सुंदर शहर है आपका सच में यार मैं 3 दिन से इतना एंजॉय कर रहा हूँ ना ये नजारे क्या क्या जगह में रहते हो आप लोग यार हम तो ऐसे उठते यहाँ पे कोई हग रहा है यहाँ पे कोई गालियाँ दे रहा है वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पे कुछ और हो रहा है ये है ये जगह है रहने का गाइस तो अभी हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं खाने जा रहे हैं अभी लंच में ऐसा बोला है कि राजस्थानी खाना है और मुझे राजस्थानी खाना बहुत पसंद है तेरा फोन नजर नहीं आ रहा निकालो निकालो ये यही तो हमारा धंधा है धंधा करो यार अपना धंधे में लग जाओ बिना नहाए धोए अरे नहाना थोड़ी होता है रोज पागल है रोज नहाते तू पागल है रोज थोड़ी नहाते एक दिन छोड़ के एक दिन तीन चार दिन छोड़ के नहाना होता है डेली भी नहाते भाई नहा के आयो नहीं ना वेरी गुड भाई नहा के आयो अभी नहीं माइक आएंगे आ जाओ नहा के आया तू सेफ वाटर वेरी गुड ये हुई ना बात गाइस अगर मेरे को राजस्थान किसी चीज के लिए पसंद है ना तो वो है बस खाना ठीक है मैं लिटरली बस खाने को सोच के इधर आ गया अच्छा ये दोनों अलग है क्या ये अच्छा ये क्या नमकीन बाटी अच्छा 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 इसमें दाल डाल लो ये आपने दिया अच्छा अब राजू हो मिला दो बस सबको यार बच्चों ऐसा पकड़ के बिठा दिया है खाने के लिए ऐसा लग रहा है खाने नहीं बैठे पनिशमेंट दिया इन लोग को ऑलराइट गाइस शादी का दिन आज ही मेन दिन है इसके लिए अपन लोग इधर आए आज शादी है अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30 और अभी आज ये शादी में प्रॉब्लम पता है क्या है ये शादी में प्रॉब्लम ये है कि अपन दोनों साइड से हम लड़के वालों के साइड से भी हम लड़की वालों के साइड से भी और हम यूट्यूब के साइड से भी है तो अभी हम लोग को सबसे पहले जाना है बाराती बन के अपन बाराती में जाएंगे और आई थिंक बाराती बन के अंदर जाने के बाद अपन लड़की के साइड के बन जाएंगे पता नहीं क्या कुछ तो करेंगे तो लेट्स गो अपन लेट हो रहे हैं जल्दी चलते हैं और शादी एंजॉय करते हैं आज अरे सबने पगड़ी बांध लिया है तो मुझे पगड़ी चाहिए और भाई वाह वाह रोनी भाई क्या लग रहे हो रोनी भाई मजा आ गया चाचा चौधरी लग रहे हो बेस्ट बेस्ट मिथपेट किधर है मैं चाचा चौधरी लग रहा हूँ उसको पकड़ लूंगा साबू बना दूंगा उसको ओ भाई तंगे... मैं क्या लग रहा हूँ अरे तू एपिक लग रहा है भाई पहले बार बांधी में पहले
अच्छा और एक है पीछे गया पीछे गया पीछे गया पीछे पीछे गया पीछे गया पीछे कुछ नहीं है पीछे कुछ नहीं है। अरे बेस्ट बोलो क्या बोलूँ मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करते हैं ऑनलाइन ये समझ जाए कौन सी गाड़ी है बेस्ट आइडिया। पर वैसे मेरे हिसाब से मर्सिडीज रोल्स रॉयस दिख रही है बढ़िया है नहीं चेक करते कोलैबोरेटिव गाड़ी है भाई भाई क्या गाड़ी है पर यार मस्त भाई सब लोग फाइनली बाराती बन के पहुंच गए अच्छा खासा इच्छा थे बाराती बनने का अरे आज कर नहीं देंगे हमें अरे हाथ से मुड़ दो उसको मजा आ गया था नाच क्यों नहीं रहे हो क्या हो रहा है फ्लिट फिर से करना है आज मेरे को वहां पे दो दिल नजर आ रहे एक तेरा एक मेरा आ जा उठा 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 दोनों उठा हाँ मेरे दोनों हाथ में खिलाना पड़ेगा तुम्हें ओ तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अभी हम लोग पुष्कर से जयपुर आ चुके हैं जयपुर के होटल में हूं मैं अभी और पुष्कर का जो शादी था भाई वो ऐसा शादी मतलब मैंने तो आज तक मेरे लाइफ में नहीं देखा है तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू प्रणव एंड मानसी मैं इन दोनों को बहुत टाइम से जानता हूं और मैं बहुत खुश हुआ इन लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगा मेरे को शादी में देख के एंड आई विश द टू ऑफ यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग और गाइस एंश्योर करो तुम यहाँ पे लिंक पे जाके हैपन डाउनलोड करो हैपन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो एनीवे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और तुमसे मिलता हूं मैं अगले व्लॉग में जयपुर वाले क्योंकि अभी हम जयपुर में हैं और जयपुर से भी हम व्लॉग करने वाले हैं। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।